नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। मध्य प्रदेश की विदिशा में पूर्व कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने आज अपना कार्यभार नवागत कलेक्टर उमाकांत भार्गव को सौंपा है। पूर्व कलेक्टर एवं वर्तमान में ज्वाइनिंग लेने वाले कलेक्टर उमाकांत भार्गव के बीच चली एक घंटे के लगभग वार्ता पूर्व कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने मुख्य रूप से नगरपालिका एवं स्वास्थ्य विभाग को लगभग सुधार दिया था। अब देखना होगा नवागत कलेक्टर किस रूप से नगरपालिका एवं स्वास्थ्य विभाग जिला चिकित्सालय को चला पाते हैं या जिला अस्पताल में फिर से स्वास्थ्य सेवाओं का टोटा देखना होगा। जिले की जनता खुश रहेगी स्वास्थ्य सेवाओं से या परेशान होगी भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दूसरी ओर पूर्व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने अपना कार्यभार सौंपा है नवागत पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला को। गुलदस्ता देकर पुलिस अधीक्षक का स्वागत अभिनंदन किया। पूर्व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा का ट्रांसफर जबलपुर रेलवे में हो गया है। आज से ज्वाइनिंग करने वाली पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला अपने निर्विवाद कार्यालय के लिए जानी जाती है, जहां रायसेन में निर्विवाद कार्यकाल के बाद उनका स्थानांतरण विदिशा हुआ है। इसी प्रकार कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कार्यकाल भी रायसेन में निर्विवाद रहा है, जहाँ किसी प्रकार के विवादों में नहीं आए। वहीं पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर अब देखना होगा विदिशा की राजनीति के चलते क्या स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पाएंगे। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।